मैंगो की रेसिपी बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 आम और इनको हम अच्छे से छील लेंगे। देखिए आम हमने छील लिया है, अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने आम काट के तैयार कर लिया है, अब हम इनको एक जार में डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें एक भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए, पूरा एकदम से स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका हम। देखिए हमने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, इसमें एक भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए और इसमें हमने पानी चीनी कुछ नहीं डाला है, बस हमने इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको उठा के हम साइड में रख देंगे और इसको हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, तब तक हम बताते हैं। फिर हमने लिया कुछ ड्राई फ्रूट्स, हम काजू ले लेंगे और हमने लिए कुछ बादाम आलमंड्स और हमने लिए पिस्ता, चॉप कर लेंगे। देखिए मैं इस वाले चॉपर में चॉप करने जा रही हूँ, ये देखिए। उधर से चॉप हो गए हैं, देखिए चॉप करके रख लिए हैं। और इसमें हम डाल देंगे घी, बस 2 टीस्पून घी डालेंगे हम। फिर हमने ली है ये सिमइयां, आप किसी भी तरह की पतली वाली सिमई ले सकते हैं। अगर आप रोस्टेड सिमई लेते हैं, और रोस्टेड भी ले सकते हैं, अगर आप रोस्टेड सिमई लेते हैं फिर भी उनको एक बारी पैन में डाल के एक बार गर्म जरूर कर लीजिएगा। इनको हम इसमें डाल देंगे। देखिए सिमई हमारी भुन गई है, अब इसमें हम डाल देंगे दूध, मैंने 1 ग्लास के करीब दूध लिया है, हम डाल देंगे। और दूध में हम बॉईल होने देंगे, देखिए दूध में हमारे बॉईल आ गया है और सिमई भी हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे चीनी, हम इसमें केवल 2 टीस्पून ही चीनी डालेंगे क्योंकि हमें अभी इसमें मैंगो भी डालना है और मैंगो हमारे बहुत मीठे हैं, तो इसलिए हम इसमें चीनी कम से कम ही डालेंगे। अगर आपके आम मीठे ना हो तो आप चीनी मत बढ़ाइएगा, आप आम को ही थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, आम का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगती है। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे और ये जो साइड में मलाई सी जमती है उसको भी निकालते रहेंगे, मलाई नहीं जमने देंगे बिल्कुल भी हम इसमें। और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि हमारे सिमई जो है नीचे से दूध लगे नहीं, वरना उसमें जलने की स्मेल आ जाएगी, इसलिए हम उसको ऐसे ही चलाते चलाते पकाते रहेंगे जब तक हमारी सिमई। देखिए सिमई हमारी पक गई है, दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है और हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर में बिल्कुल इसको हम ठंडा हो जाने देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी पैन बहुत गर्म है तो ये जल सकता है। देखिए सिमई हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब हम इसको एक बड़े से बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी मैंगो प्यूरी डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हमारा दूध बिल्कुल ठंडा हो जाए सिमई तभी हम इसमें मैंगो डालेंगे, अगर इससे पहले हमने डाल दिया तो हमारा दूध फटने का डर रहता है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें।
हमने जो मैंगो अपने छोटे छोटे कट करे हुए बचा लिए थे, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आलमंड्स डाल देंगे, कैश्यू डाल देंगे, पिस्ताचियो डाल देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स मैं हमारे यम्मी टमी आम की रेसिपी तैयार है। प्लीज आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत यम्मी टेस्टी बनती है। आप इसको अगर एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज 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 अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी रोज की रेसिपी आपको आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय।